अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूं जिया फेरी टेल से। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो एंड विद अनदर वेरी स्पेशल व्लॉग। और मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज ईद का तीसरा दिन हो गया है और जोश खरोश से जो है ना सारी दुनिया में मुसलमान ईद को मना रहे हैं। तो मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और अल्लाह ताला इसी तरह हर साल हमको जो है ना वो बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत सा रमज़ान जो है वो अता फरमाए और अपनी बरकतों और रहमतों से नवाज। आमीन। और जैसा कि आप सब जानते हैं ईद है, तो आज हम आउटिंग के लिए आए थे बाहर। और तो हमने सोचा कि हम चलते हैं बहुत ही अच्छे और एक यूनिक से जो है ना उस पर एडवेंचर पर। तो उसके लिए हमने जो है ना वो चूज़ किया एक बहुत ही खूबसूरत सा टाउन। और वो टाउन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और इसको एक छोटा सा गाँव भी कहा जाता है, ऐसा गाँव जो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो यहाँ पर जो है ना बहुत ही चीज़ें अच्छी अच्छी मिलती हैं। और यहाँ पर ये जुम्मा बाज़ार लगता है, मतलब गोरे जो है यहाँ पर आते हैं ना तो अपनी चीज़ें ख़रीदते हैं आकर, तो इसको फ्राइडे मार्केट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखें डिफरेंट स्वेटर हैं और ये जो है ना डिफरेंट इन्होंने ना वूल से इसको बुना हुआ है ना चीज़ों को। और इस टाउन की बहुत अच्छी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही फेमस पोएट जो है वो उनकी बर्थ प्लेस है, ये उनका टाउन है। जी हाँ, आप सब जानते होंगे और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो उस इंसान के बारे में ना जानता हो। और वो बहुत ज़्यादा फेमस पोइट हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा लव पोइट्री के बारे में लिखा है। और इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो शेक्सपियर के बारे में है, जिसको विलियम शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान में स्पेशली बीए और इंग्लिश की बुक्स में जो है ना एक पूरा एक, तो ये टाउन जो है ना यहाँ पर डिफरेंट शॉप्स हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शॉप्स हैं ना। हाँ, जाहिर सी बात है कि ये टाउन जो है वो फेमस है एक बहुत ही फेमस और हिस्टोरिकल पोइट के नाम से। तो वह उसके हिसाब से जो है ना हिस्टोरिकल अट्रैक्शन भी है और लोग दूर दूर से आते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ना एक्सपेंसिव ही मिलती हैं। तो ये जो इसका ना स्टैचू है, और ये मैंने क्लोजअप लेने की कोशिश की थी ताकि आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ इसको। तो यहाँ पर ही ना इस स्टैचू के पास एक गिफ्ट शॉप है शेक्सपियर की। यहाँ पर डिफरेंट जो है ना चीज़ें उन्होंने शेक्सपियर से रिलेटेड जो है ना वो रखी हुई हैं, इवन के बॉक्स, कप्स, शर्ट्स, उसके ऊपर उसकी पिक्चर बनाई हुई हैं। और बहुत ही जो है ना वो खूबसूरत सा ये गैलरी आर्ट जो है बनाया हुआ है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं देखने के लिए और जो है ना वो जानने के लिए शेक्सपियर के बारे में। Thank you.
उस शॉप के बाहर जो है ना वो शेक्सपियर का जो है उन्होंने स्टैचू बनाया हुआ है। मैंने कोशिश की थी इसका पूरा जो है ना वो लेने के लिए क्लोज़अप, ताकि आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। जी तो ये है विलियम शेक्सपियर, इनका स्टैचू और इनका पूरा जो है ना वो आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, और इनका नाम मैंने लेने की कोशिश की थी पूरी तरह से विलियम शेक्सपियर। और बहुत ही अच्छा टाउन है और ये बहुत अच्छा जो है इन्होंने इसको प्रिजर्व किया हुआ है, और दूर दूर से लोग जो है ना अट्रैक्शन के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। इवन कि दुनिया भर से लोग जो है ना विलियम शेक्सपियर का टाउन, उसके बर्थ प्लेस की जगह, उसकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए, और उसके क्या क्या वो करता था, कैसे वो रहता था, कहाँ वो रहता था, जानने के लिए आते हैं। देखें ये पूरी स्ट्रीट जो है ना ये मैंने आपके साथ शेयर की है क्लोज़अप इसका, इसको विलियम शेक्सपियर स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। ये शेक्सपियर सेंटर है, ये जो है ना मेन यहाँ पर बर्थ प्लेस है शेक्सपियर की, जहाँ वो पैदा हुआ था। तो ये इन्होंने पूरा जो है ना इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है ना, तो यहाँ पर पूरा एक लंबा अहाता है जो शेक्सपियर की जो है ना उसकी बर्थ प्लेस के बारे में, उसकी डिफरेंट चीज़ें जो अंदर रखी हुई हैं, उसको पूरा म्यूज़ियम का नाम दे दिया गया है। और इस पूरी स्ट्रीट में जो है ना डिफरेंट कंट्रीज़ के जो फ्लैग्स लगे हुए हैं, और इवन इवन के हमारे पाकिस्तान का जो फ्लैग है ना वो भी लगा हुआ है यहाँ पर। और ये देखें सऊदी अरेबिया का, और यहाँ पर उसके साथ कलमा लिखा हुआ है पूरा। और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रीट थी, और यहाँ का आर्किटेक्चर, हाउसिंग का, बिल्डिंग्स का, शॉप्स का बहुत अच्छा। और ये टाउन, और जो ये टाउन है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब जो चीज़ें बहुत नॉर्मल टाउन्स में मिलती हैं वो यहाँ पर डबल और ट्रिपल प्राइसेस में मिलती हैं। और उसकी हर दीवार में जो है ना डिफरेंट पेंटिंग्स जो है वो लगाई गई हैं, और उसकी मेमोरी में और उसको याद करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स दिखाई गई हैं। और यहाँ पर बहुत जो है ना जो है जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पुरसकून और पीसफुल इन्वायरमेंट है। ये भी कोई पुरानी जो है हिस्ट्री के बारे में जो है ना ये लगा हुआ था। और आई होप कि आज का व्लॉग और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और बहुत ज़्यादा अच्छी रही होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो और व्लॉग अच्छा लगा होगा आज का, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे यूट्यूब पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ। और फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।